आर्टिस्ट फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे और रिव्यू करेंगे मिजेलो एंगल डबल डेकर वाटर कलर पैलेट के बारे में। हम इसके कुछ प्लस पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है मिजेलो MWP 1752। ये पैलेट का नाम है। ये एंगल डबल डेकर वाटर कलर पैलेट है जो कि मेड इन कोरिया है और 52 वॉल्स के साथ आती है। और जो इसका साइज है ये है 37 सेंटीमीटर्स बाई 18 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब हम इसको खोलते हैं। थोड़ा सा मेरे कैमरे में फ्लिकर आ रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको, इसके साथ में कुछ डिटेल्स आई हैं उनको अलग करते हैं और इसको फिक्स करते हैं। ये आपकी कंप्लीट पैलेट है। इसमें आपको ये एक ये वाला वर्क एरिया मिल जाता है, एक ये वाला मिल जाता है, और हम जब हम इसको अलग कर देते हैं तो हमारे पास टोटल मिला के काफ़ी सारा स्पेस है जिसको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और ये बिल्कुल प्रॉपर वाइट बना हुआ है। जब आप इस पर कलर्स मिक्स करेंगे तो आपको वो प्रॉपर कलर्स के शेड्स दिखाई देंगे, उनके प्रॉपर टेंट्स दिखाई देंगे। स्टूडियो पेंटिंग के लिए ये बहुत अच्छी है क्योंकि आप इसको, इसके सारे अटैचमेंट्स को अलग करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास जो इसका वॉल का साइज़ है वो भी बहुत बड़ा है, तो आपके इस केस में ज़्यादा कलर्स आ सकते हैं जिनको आप काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हैं। फिर ये एयर टाइट है, इससे आपके कलर्स जल्दी नहीं सूखते। अगर इसको बंद करके रख देंगे कलर्स जल्दी नहीं सूखेंगे। दूसरा, डस्ट नहीं आएगी अगर आप इसको पैक कर देंगे वर्क करने के तुरंत बाद, तो ये डस्ट नहीं आएगी। फिर आता है आपके पास मिक्सिंग एरिया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टोटल हमारे पास 5 मिक्सिंग एरियाज मिल जाते हैं, तो आप इसको अगर सिंगल यूज़ करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला पार्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर इन सबको आप ऐसे स्प्रेड कर दीजिए अगर आपको ज़्यादा वर्क करना है। तो बहुत सारा स्पेस मिल जाता है। फिर एक हमें ये याद रखना है कि जो हम इसमें कलर्स फिल करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक ना हो, ओवर फिल नहीं करना है। अदरवाइज जब आप इसको बंद करेंगे तो फिर वो कलर्स आपस में टकराएंगे, टच करेंगे, और ये वाला पार्ट ये गंदा हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले तो मुझे जो लगा कि 52 वॉल्स मीन्स 52 कलर्स के शेड्स आपको इसमें रखेंगे तो वो कभी भी यूज़ नहीं होते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने इतने सारे वॉल्स क्यों बनाए हैं। दूसरा, मे बी जो कलर्स आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं आप उनको 2-3 ब्लॉक्स में फिल कर सकते हैं, शायद ये इसका रीज़न रहा होगा। फिर ये पैलेट जो है वो थोड़ा सा हैवी है, तो अगर आप इसको आउटडोर में वर्क करना चाहते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऑनलाइन जब आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसके रेट बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। कहीं कहीं पे ये 2600 की मिल रही है, कहीं 2100 की मिल रही है। फ़िलहाल मैंने ये मार्केट से ली है जो कि मुझे अंडर 2000 रुपीज़ मिल गई है। फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा रिव्यू था इस कलर पैलेट के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।